एक सवाल पूछा गया है सीएसवी फाइल को लेकर के। देखिए सीएसवी फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अब ये बनेगा कैसे, तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं। आपके पास एक्सेल का जो भी वर्जन है उसे आप ओपन कर लीजिए, जैसे मेरे पास यही है 2007, तो मैं इसी को ओपन कर लेता हूं। देखिए सीएसवी फाइल पाइथन में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे नेम लिख लिया और यहां पे क्लास लिख लेता हूं, तो यहां पे नेम और यहां पे क्लास आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे नाम दे देता हूं कुछ, ठीक है, यहां पे सुशील बॉर्डर वगैरह लगा देता हूं ताकि ये थोड़ा सा सही से दिखे। अब यहां से जाके आपको सेव करना है इसको, तो यहाँ पे सेव पे जाएंगे ना, जैसे ये विंडो ओपन होगी तो नीचे आपको सीएसवी का एक फॉर्मेट मिलेगा। देखिए ये दिया हुआ है कॉमा डिलिमिट, तो इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसका नाम क्या आप दे रहे हैं उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूं माई ओन OWN, और इसमें कोई भी गैप मैं नहीं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, माई ओन नाम से इसे बना दिया और इसमें कोई भी गैप मैं नहीं दे रहा हूं, और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं, यस कर देता हूं। ये एज अ सीएसवी फाइल सेव हो गई है, ठीक है। अब इसको हम क्लोज कर देंगे और या फिर इसको मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है, और यहां से चलेंगे कहां पे, पाइथन के आईडी पर। तो यहां से यहां पर ओपन करता हूं स्पाइडर आईडी अपनी, आप ट्रेडिशनल आईडी का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से इसको ओपन करूंगा, ठीक है ना। यहां पर सबसे पहले इंपोर्ट कराना होगा, ठीक है ना, पांडास लाइब्रेरी को। तो यहां पांडास लाइब्रेरी को ध्यान दीजिएगा कि डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, डाउनलोड अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। डाउनलोड कैसे होता है, कुछ कमांड्स लिखने होते हैं, अब उसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पे पहले इसको मैं लिख देता हूँ, ये लिख दिया ना, अब आपको एंटर करके नीचे आना है, ठीक है ना। अब फाइल का नाम हमने क्या दिया था उसको आप देख लीजिए, माई ओन दिया था, माई ओन माई ओ डब्ल्यू एन माई ओन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड करना, डॉट रीड आर ई डी रीड कर दिया, ठीक है। किसको रीड करना है, तो यहाँ पे सीएसबी फाइल को रीड करना है, तो यहाँ पे सीएसबी दे दिया, सीएसबी, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे देना है पाथ, ठीक है, पाथ मतलब कौन से पाथ की बात हो रही है, तो ये फाइल जहां पर है ना वही फाइल का पाथ आपको देना, माई ओन डॉट सी एस बी जो है जहां पर मौजूद है उसी का रास्ता आपको दे देना। तो ये देखिए यही तो है, ये जो पाथ है इसको आप उठाइए, कॉपी कीजिए और यहां पर ला करके पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहां पे लाके इसको पेस्ट कर दीजिए, समझ गए। और पेस्ट करने के बाद यहां पर आप डबल कर लीजिएगा इसको, समझ गए, ये डबल रखिएगा, यहां पर इसको डबल कर लीजिएगा, स्लैश जो है ना इसको डबल कर लीजिएगा आप बस, ठीक है। और ये हो गया, और लास्ट में क्या करना है आपको, फाइल का नाम देना है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपको फाइल का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल का नाम देना है, तो यहाँ पे फाइल का नाम है माई ओन, तो ये लिखा माई ओन और यहाँ पे डॉट सी एस बी, ठीक है। तो माई ओन डॉट सी एस बी फाइल का नाम है, वो फाइल का नाम भी हमने दे दिया, यहाँ पर डबल डबल रहेगा ये ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पर भी डबल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब ये करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही इतना हो जाता है तो यहां पर नीचे आकर के अब इसको क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है, तो ये लिखा प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद इस माई ओन को प्रिंट कराना है ना, तो ये लिख दिया माई ओन। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे चलाया तो नीचे देख सकते हैं ना ये क्या आया हुआ है, देखिए यहां पर नीचे ध्यान दीजिए इसका आउटपुट क्या आया हुआ है, देख सकते हैं ये यहां पर क्या आया हुआ है, ये देखिए ये आउटपुट, ठीक है। तो इसमें देखिए यहां पर जो एक्सेल पे हमने एंटर करा था अब मिला सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, क्या क्या है देख लीजिए एक बार। तो यहां देखिए नेम है राम, मनोज, सुशील, अंकित है, ठीक है। अब जो सीएसपी फाइल रन हुई है तो नेम है राम है, मनोज है, सुशील है, अंकित है, देख रहे हैं सेम चीज आई हुई है, ठीक है। तो ये सीएसपी फाइल है, ठीक है ना, ओके।